जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर नौवे स्कंदिक का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। बोले पुनि सुखदेव मुनि, उर धरी राम स्वरूप, रामायण गाथा सकल तारण भवरु चकूप। दशरथ घर राम ने लियो मनुज अवतार, पितु की आज्ञा धरी सिरे कीन है अरण विहार। रावण आदि दल नाश कर भरत अवधि चित चीत, अवधपुरी सिय लक्षण युत आए राम विनीत। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, खड़वांग से दीर्घ बाहु हुए, उन्हीं का दूसरा नाम दिलीप था। दिलीप के रघु हुए, रघु के अज, अज के दशरथ हुए। उन्हें राजा दशरथ के यहाँ देवताओं की प्रार्थना से हरे भगवान अपने अंश से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपों से प्रकट हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र विस्तार से वाल्मीकि आदि मुनियों ने वर्णन किया है, किंतु फिर भी मैं यहाँ संक्षेप से और भी तुमसे उनका चरित्र वर्णन करता हूँ। सुनिए, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में मरीच आदि अनेक राक्षसों को मारकर यज्ञ की रक्षा की, और फिर विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में राजा जनक ने यहाँ जाकर 300 दूतों द्वारा लाए हुए शिव जी के धनुष को ईख के गन्ने की तरह खेल ही खेल में खींच कर बीच में से दो टूक करके पटक दिया था, और गुणशील तथा अवस्था में अपने अनुरूप सीता जी को जीत कर मार्ग में सामने आते हुए परशुराम जी के घमंड को चूर चूर कर दिया। अयोध्या पहुँच कर राज्य अभिषेक के समय विघ्न करने वाली सोतेली माँ केकई के कारण से पिताजी की आज्ञा मानकर सीता और लक्ष्मण के सहित राज्य को छोड़कर वन को चले गए। तब वहाँ वन में काम बुद्धि से आई हुई रावण की बहन सुपर्णखा के नाक कान काट कर उसे कुरूप बना दिया। इसके बाद खरदूषण, तिरशरा आदि 14,000 राक्षसों को मारकर दंड कारण्य में निवास करते रहे। सुपर्णखा के द्वारा सीता जी के रूप की प्रशंसा सुनकर रावण मोहित हो गया, और उसने सीता जी के हार लेने के विचार से सीता जी से राम और लक्ष्मण को दूर करने के लिए मारी राक्षस को भगवान राम के आश्रम में भेजा। मारीच राक्षस ने अद्भुत शरण में मृग का रूप धारण करके श्री राम के आश्रम में आकर उनको लुभा कर आश्रम से दूर ले गया। मरीच के पीछे पीछे जाते हुए भगवान राम ने मरीच को बाण से मार गिराया। मरते समय हाल लक्ष्मण इस प्रकार श्री राम जी की सी आवाज से पुकारते हुए लक्ष्मण जी को भी सीता जी से दूर कर दिया। पीछे से ताक लगाए हुए रावण ने कपट वेश धारण कर सीता जी का हरण कर लिया। मृग रूपी मारिच को मारकर लक्ष्मण जी के साथ आश्रम को लौटे तो उन्होंने सीता जी को वहां न देखा। पीछे से रावण के द्वारा सीता जी के इस प्रकार हरे जाने पर उनके वियोग से दुखी होते हुए श्री राम स्त्री संगियों को दुख दिखाते हुए लक्ष्मण जी के साथ वन में इधर उधर घूमने लगे। आगे श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करके मरते हुए जटायु को देखा। जटायु गीतराज का श्री राम ने पुत्र की भांति दाह संस्कार किया।
आगे चलते चलते कबंद नामक राक्षस को मारकर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता की। सुग्रीव के शत्रु बाली को मारा और वानरों से सीता का पता लगाकर उनकी सेना लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां लंका में जाने के लिए 3 रात्रि तक समुद्र से मार्ग मांगते रहे, किंतु जब 3 रात्रि उपवास करके पड़े हुए राम जी के पास समुद्र ने आया तो राम जी को बड़ा क्रोध हुआ। उनके क्रोध के डर के मारे समुद्र भेंट लेकर श्री राम जी के पास आकर बोला, भूमन, हम लोग अपने जड़ बुद्धि के हैं। मैंने आपको नहीं पहचाना कि आप साक्षात आदि पुरुष हैं। हे राम, आप जल के ऊपर होकर स्वतंत्रता से लंका को पधारिए और दुष्ट रावण का संहार कीजिए और सीता जी को प्राप्त कीजिए। हे वीर, यह मेरा जल आपको किसी प्रकार जाने से रोक टोक या बाधा न कर सकेगा, परंतु हे भगवान, फिर भी आप अपने यश के विस्तार के लिए सेतु बांधने की कृपा करें। भगवान राम ने समुद्र के कथनानुसार समुद्र के ऊपर पर्वतों की शिखरों से सेतु बांधकर सुग्रीव, नल, नील, हनुमान आदि वानरों के साथ विभीषण द्वारा दिखाई हुई लंका में प्रवेश किया। लंका वानरों की सेना के मारे थर थराने लगी। रावण ने वानरों से घिरी हुई लंका को देखकर निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, कुंभकरण तथा मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में ये सब जब मारे गए तब राक्षस राज रावण अपनी सेना को मरी हुई देख स्वयं पुष्पक विमान में बैठकर युद्ध करने के लिए श्री राम जी के सामने आया। भगवान रामचंद्र जी ने इंद्र के भेजे हुए मातली सारथी से युक्त रथ में बैठकर युद्ध के लिए डटे रावण को बड़ी बुरी तरह से फटकारा और पीछे से सीता जी के हर लेने के उसके नीच कर्म की बड़ी निंदा की और फिर तीक्ष्ण बाण चलाकर उसको मार गिराया। जब वह मारा गया तो उसके सब राक्षस दल में हाहाकार मच गया। मंदोदरी आदि सब स्त्री लंका से बाहर निकल कर रोने डरकाने लगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, रावण के मारे जाने के बाद भगवान श्री राम की आज्ञा से विभीषण ने उन सब की अत्येष्टि क्रिया की। लक्ष्मण जी अशोक वाटिका में जाकर शिशुपा वृक्ष के तले बैठी हुई वियोग के दुख से अत्यंत दुबली पतली सीता जी को राम के पास ले आए। राम जी सीता जी को लेकर लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान के साथ पुष्पक विमान में बैठे और इधर विभीषण को लंका का राज्य तथा 1 कल्प तक आयु देकर अयोध्यापुरी को चल दिए। अयोध्या को जाते हुए भगवान राम ने सुना कि भरत जी अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में निवास कर रहे हैं। जटा रखाए हुए पृथ्वी में शयन करते हुए तथा वलकल वस्त्र धारण करके मेरी पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर रख कर आप स्वयं बड़े नियम से रह रहे हैं। भरत जी श्री राम के आगमन को सुनकर श्री राम की खड़ा मुँह को सिर पर रख कर उन्हें लिवाने के लिए नगर के लोग तथा मंत्री और पुरोहित वर्ग के साथ नंदीग्राम में चल दिए। भाई भरत के द्वारा
आगोनी करने पर भगवान राम ने गीत बाजे वेद घोष आदि तथा रथ घोड़े हाथी पैदल सेना और वैश्यों के नृत्य के साथ छत्र चवर आदि राज चिन्हों को धारण करके बड़े समारोह यानी सज धज के साथ अयोध्यापुरी में लक्ष्मण सीता जी आदि के साथ प्रवेश किया। वहां राजभवन में जाकर सब सीता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम की जटाओं को कटवा कर राज्याभिषेक किया। राजगद्दी पर बैठकर श्री राम प्रजा का पुत्रवत पालन करने लगे। प्रजा वर्ग भी उनको पितृतुल्य मानने लगे। श्री रामचंद्र जी के सिंहासन पर बैठकर राज्य करने पर त्रेता युग भी सतयुग के समान बीतने लगा। श्री रामचंद्र जी के राज्य करने पर वन नदी पर्वत द्वीप समुद्र ये सभी प्रजा के मनोरथों का पूर्ण करने लगे। राम जी के राज्य में प्रजा को न मानसिक चिंता होती थी, न रोग, न शोक, न भय, न क्लानी किसी प्रकार का दुख नहीं होता था। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 11वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की।